इन तस्वीरों के पीछे छिपी है उस शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी और पहचान भारत और पाकिस्तान की आपसी उलझनों में उलझ कर रह गई। ये तस्वीरें भारत के लिए सरबजीत सिंह ढिल्लन बनी रही और पाकिस्तान के लिए कभी मंजीत, कभी खुशी मोहम्मद तो कभी सरबजीत। सरबजीत की आधी जिंदगी पाकिस्तान की एक जेल में कटती रही। मेरे जीने का मकसद, मेरे जीने की तमन्ना मेरे सिर्फ भाई की रिहाई थी, जिसके लिए मैं आज तक जी रही हूँ। मेरे तो पैर भी घस गए जरदारी जी, मेरा तो मुंह भी सूख गया, मेरी तो जबान भी थक गई ये कहते कहते कि मुझे खैरात में ही जिंदगी दे दो, मुझे खैरात में ही जिंदगी दे दो, खैरात में ही खुशी दे दीजिए, आपकी बहन आपसे खैरात मांगती है। पंजाब के तरन तारन में यह है सरबजीत का गांव भिखीविंद। यहीं से शुरू हुई थी करीब 50 बरस पहले सरबजीत की जिंदगी। भिखीविंद के रहने वाले सरबजीत सिंह के पिता सुलक्षण सिंह ढिल्लों यूपी रोडवेज में नौकरी करते थे। 1986 में उनके रिटायर होते ही परिवार के हालात बदतर हो गए। परिवार का गुजारा चादरों की कढ़ाई से होने वाली कमाई का मोहताज हो गया। सरबजीत की शादी सुखप्रीत से कर दी गई। पत्नी सुखप्रीत ने बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले सरबजीत के मजबूत कंधों को सवारी करने के लिए दो दो बेटियां दी। तब वो भी नहीं जानती थी कि सरबजीत के कंधे इल्जामों का बोझ ढोते ढोते बूढ़े हो जाएंगे। मेरे पति बेकसूर ने दोनों सरकारां दे आपस में समझौता करन, मेरे पति नू बेकसूर नू हरिया करवाउण, और मेरे पति दी जिंदगी उधर खराब हो गई। अगस्त 1990, यह है सरबजीत की बड़ी बेटी स्वप्नदीप जो उस वक्त महज 3 बरस की थी, और यह है छोटी पूनम जो उस वक्त माँ सुखप्रीत की कोख में थी। उन दिनों सरबजीत को शराब की लत लग गई थी। 28 अगस्त साल 1990 की एक शाम वो नशे की हालत में भारत पाकिस्तान की सरहद को पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। उन दिनों सरहद पर कंटीले तारों की बाढ़ नहीं हुआ करती थी। उस तारीख के बाद सरबजीत अपने घर कभी नहीं लौटा। हमसे अभागी और कौन से बच्चे हो सकते हैं जिनके पिता को उन्होंने बचपन से ही नहीं देखा हो। पाकिस्तान से मिले दस्तावेज बताते हैं कि दरअसल 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना ने उसे पाकिस्तानी सरहद कैस्तूर इलाके से गिरफ्तार किया था। चंद रोज बाद उसे लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में हुए धमाकों का आरोपी बनाया गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया गया और उसकी शिनाख्त मंजीत के नाम से की गई। पाकिस्तान के स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट ने महज 1 साल के बाद 3 अक्टूबर 1991 को उसे फांसी की सजा सुना दी। 28 साल के सरबजीत को पाकिस्तान में लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल के 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे डेथ सेल में बंद कर दिया गया। मुलाकात करने नहीं देते थे, सजाए मौत के लिए तो अलग बैरकें रखी थी, छोटी छोटी बैरकें होती है, उसमें कभी बिजली नहीं है, कभी पानी की प्रॉब्लम है, कभी खाने की प्रॉब्लम। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंडा सेल की तरह ही लाहौर के कोट लखपत जेल में एक डेथ सेल है। इस डेथ सेल में रखे जाने का मतलब है जीते जी अपनी कब्र में वक्त गुजारना। सरबजीत को इसी डेथ सेल में रखा गया था। अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ने के लिए ना तो उसके पास अपने वकील थे और ना ही अपने परिवार वाले जो कि बाहर से उसकी मदद कर सकते। पाकिस्तान की ऊंची अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए सरबजीत की बहन दलबीर कौर और जीजा बलदेव सिंह ने अपनी 45 बीघा जमीन बेच दी। लाहौर हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन साल 2001 में हाईकोर्ट ने सरबजीत की सजाए मौत पर मोहर लगा दी। सरबजीत को अब तक जेल में रहते हुए 22 बरस हो चुके हैं। सरबजीत की बेगुनाही साबित करने का मुकदमा सौंपा गया था पाकिस्तानी वकील अब्दुल हमीद राणा को। वो सरबजीत की बेगुनाही की दलीलें लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन 18 अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजाए मौत बरकरार रखी। अब तक सरबजीत की रिहाई भारत ही नहीं दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही वो मीडिया रिपोर्ट भी सामने आने लगी जिसमें सरबजीत के बेगुनाही के सबूत दिए जा रहे थे, और ये इल्जाम था कि सरबजीत के सजाए मौत के फैसले में उन सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। पाकिस्तान की अदालतों में सरबजीत का ये पासपोर्ट पेश किया गया जिस पर दर्ज है 1 मार्च 1980 की तारीख, और उस पर नाम लिखा है खुशी मोहम्मद का, लेकिन तस्वीर बताई गई सरबजीत की। मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाया कि परिवार के पास मौजूद सरबजीत की तस्वीर तब की है जब वो 28 साल का था,
जबकि 1980 के पासपोर्ट पर लगी तस्वीर इससे भी 10 साल पुरानी, यानी तब सरबजीत सिर्फ 18 साल का रहा होगा। सवाल ये कि क्या पासपोर्ट पर 18 साल के सरबजीत की ही तस्वीर थी? ये प्रोसिक्यूशन का केस है कि जब इसको पकड़ा है हमने तो इसके कब्जा से एक शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है, जो ये पाकिस्तानी नाम से पाकिस्तान में रह रहा था एज मुस्लिम खुशी मोहम्मद के नाम से। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, तो इस पे कोई इतना मटेरियली रिलाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर उंगली उठी तो पाकिस्तान ने साल 2005 में सरबजीत के एक वालिया बयान का एक वीडियो भी जारी किया। सरबजीत की उस वीडियो को लेकर भी सवाल उठा कि जिसे अब तक पाकिस्तान मंजीत कहता रहा, उसके इकबालिया बयान के वीडियो में सरबजीत का नाम क्यों लिखा गया? इकबाल जुर्म रिकॉर्ड करने के लिए इंतहाई जरूरी एस्पेक्ट है कि इकबाल जुर्म करने वाला शख्स बिल्कुल आज़ाद हो, अपनी आज़ाद मर्जी से बयान दे, उसको कोई खौफ ना हो, उसको फिर गिरफ्तारी का खौफ ना हो, उसको अपनी जान का खौफ ना हो, उसको किसी का डर ना हो, फिर वो बयान दे तो फिर वो काबिल कबूल है। एक शख्स तो पहले ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की हिरासत में है, फौज की हिरासत में है, और वो जो चाहेंगे उससे वो बयान देगा। साल 2005 में ही अदालत में सरबजीत की शिनाख्त करने वाला पाकिस्तानी गवाह मीडिया के सामने आया और ये कहा कि उस पर दबाव डालकर बयान दिलवाया गया। मुझे सरकारी वकील ने ये कहा था कि भाई ये उस वक्त इसने धमाका किया है और ये ही आदमी आपका मुजरिम है और आपने ये गवाही देनी है। मैंने उसी तरह वो गवाही दे दी। ये इल्जाम भी लगा कि लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में जिन धमाकों के लिए उसे सजा सुनाई गई उनकी FIR में उसका नाम तक नहीं था। चार्जशीट में किसी गुमनाम मंजीत का नाम था लेकिन सजा हुई सरबजीत को। पाकिस्तान ने 1990 में सरबजीत को गिरफ्तार किया लेकिन इसके बारे में उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं दी, जबकि ऐसा करना कानूनी जरूरी था। सरबजीत के रोते बिलखते इस परिवार को उसके हालात की आंखों देखी सुनाई उन दो कैदियों ने जो पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से लौट कर आए थे। महबूब इलाही के जिस्म के घाव कोट लखपत जेल के माहौल की गवाही दे रहे थे और महबूब सरबजीत को दुआएं, क्योंकि वो अच्छा लड़का है और शरीफ लड़का है, तो वो इंशाल्लाह वो आएगा अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से जरूर जरूर मिलेगा। अप्रैल 2006 में सरबजीत ने खत लिखकर अपनी खैर खबर दी। खत में सरबजीत ने अपनी रिहाई की कोशिश करने की गुहार की थी। सरबजीत ने लिखा, मैंने कई खत लिखे और लिखकर संभाले हुए हैं, उनको पोस्ट करने का कोई साधन नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि किसी को देकर पोस्ट करवा दूं। जेल के अधिकारियों को देने पर क्या पता रद्दी की टोकरी में फेंक दे। मेरी प्यारी बहना, क्या बताऊं मैं किस कश्मकश का शिकार हूं और कौन कौन सी बातें अपने दामन में समेटे बैठा हूं। जो फाइल तैयार की गई है उसमें सब कुछ मेरे खिलाफ है और जो इकबाले जुर्म पेश किया गया है वो भी जाली है। बाकी दुआ किया करो, रब आपकी दुआएं कबूल करेंगे। आपका बेटे समान भाई सरबजीत। जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल में सीरियल धमाकों के बाद आए एक दूसरे खत ने सरबजीत के परिवार को हिलाकर रख दिया। इस खत में सरबजीत ने जेल में अपने बदतर हालात का जिक्र किया। उसने लिखा, मैं खैरियत से नहीं हूँ जीजा, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे ऊपर से सख्ती कम हो जाए। आप मुझे सहूलियत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करें। मुझे दिमागी तौर पर परेशान किया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों से गालियां दिलाई जा रही हैं। मेरी आंखों में भी खराबी हो गई है लेकिन इसका भी इलाज नहीं हो रहा है। कल हमें अपने पापा का पत्र मिला जिसे पढ़कर हमारा सारा परिवार बहुत निराश हुआ। वो वहाँ पर इतनी ज्यादा परेशानियाँ झेल रहे हैं। लिखा है कि मुझे 3 माह लगातार हो गए हैं कि यहाँ पर निरंतर मुझे यातनाएं दी जाती हैं, परेशान किया जाता, और उसने ये भी लिखा कि उसे खाने के लिए पूरी रोटी नहीं मिलती है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की पहली दया याचिका खारिज कर दी और खबर आई कि सरबजीत को 1 अप्रैल 2008 को फांसी दे दी जाएगी। 19 मार्च साल 2008 को उस वक्त के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सदन को बताया कि सरबजीत की फांसी डाल दी गई है। इन इस्लामाबाद हैज बीन इन्फॉर्म्ड ए लिटिल व्हाइल एगो बाय द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज स्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ
सरबजीत सिंह टिल 30th अप्रैल 2008 में पाकिस्तान में हुक्मरान बदल गए थे। बदली हुई हुकूमत के नए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की दखल के बाद फांसी की सजा टल गई, लेकिन रिहाई पर चुप्पी बनी रही। तब तक 18 साल जेल में काट चुके सरबजीत के लिए मानवीय आधार पर रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। सरबजीत की रिहाई की उम्मीद एक बार और बंधी। पाकिस्तान के उस समय के मानवाधिकार मामलों के मंत्री अंसार बरनी सरबजीत की बेगुनाही के सबूत तलाशने भारत आए। ये पहला मौका था जब सरबजीत से जुड़ी जांच भारत की जमीन तक पहुंची थी, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया जिसमें मैं उसको कह दूं कि ये बेगुनाह है। साल 2008 में नाउमीद परिवार ने पहली बार पाकिस्तान जाकर कोट लखपत जेल में मुलाकात की। सरबजीत की परिवार से ये पिछले 22 वर्षों में इकलौती मुलाकात थी। इस मुलाकात के चंद महीने बाद ही 26 नवंबर 2008 को भारत में देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। नतीजतन भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ गई और इसकी वजह से सरबजीत की रिहाई की उम्मीदें एक बार फिर पूरी तरह से टूट गई। सरबजीत का जेल में 19वां साल शुरू हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट में सरबजीत की पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, लेकिन सरबजीत का नसीब खराब था। परिवार के मुताबिक सरबजीत की अपील इसलिए खारिज की गई क्योंकि सरबजीत के वकील उस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे नहीं। राना अब्दुल हमीद से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हो गया हूँ तो इसलिए मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, तो मैं अपनी जगह किसी और वकील को भेजूंगा। तो उन्होंने भी सुबह जब हमने कांटेक्ट किया, जब हमें ये बात पता चली कि कोई भी वकील नहीं पहुंचा, हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने पहले फ़ोन काट दिया फिर स्विच ऑफ कर दिया। तो हमारा अभी किसी से के साथ भी कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है और हम तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि पापा आज बरी हो जाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास सरबजीत की ओर से 5 दया याचिकाएं भेजी गई। 4 दया याचिकाएं खारिज होने के बाद आखिरी बार 5वीं दया याचिका 28 मई 2012 को भेजी गई। भिखीबिंड बस बेबस इंतजार करता रहा। इस 5वीं दया याचिका के करीब एक महीने बाद अचानक जून महीने की 26 तारीख को पाकिस्तानी मीडिया पर सरबजीत की रिहाई की खबर आई। सरबजीत सिंह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया, ताहम सरबजीत सिंह पहले ही कैद पूरी कर चुका है। वजारत कानून ने समरी वजारत दाखिला को भिजवा दी है, जिसमें हिदायत की गई है कि सरबजीत सिंह को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। चंद लम्हों के लिए सरबजीत के परिवार की 22 साल की कड़वाहट इन मिठाइयों से मिट सी गई, लेकिन ये झूठ था। बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि इस तरह का मजाक, बद्दा मजाक हमें उम्मीद है कि नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया होगा, और पूरी उम्मीद है कि ये सारी बात जो है ये झूठ हो, पहले वाली सच हो और जल्द पापा रिहा हो। चंद घंटों में ही सरबजीत की रिहाई की खबर गलत साबित हुई। रिहाई हुई लेकिन एक दूसरे कैदी सुरजीत की। चाहे पाकिस्तान ने फैसला बदला या फिर पाकिस्तानी मीडिया ने गलती की, दोनों ही सूरतों में सरबजीत के अपनों के साथ भद्दा मजाक हुआ था। एबीपी न्यूज ने पाकिस्तान के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल भी पूछा और बदले में मिला ये भरोसा। उनकी फैमिली को और हिंदुस्तान की आवाम को, मीडिया को ये बताना चाहूंगा कि हम सर तोड़ कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनके मैटर को फाइनलाइज करें। 26/11 के गुनाहगार कसाब को 21 नवंबर साल 2012 को भारत में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही एक खौफनाक पंख पसारने शुरू कर दिए कि क्या सरबजीत अब पाकिस्तान से कभी लौट पाएगा। पाकिस्तान की कैद में सरबजीत को इस साल अगस्त में 23 साल हो जाएंगे। सरबजीत की वतन वापसी का इंतजार तो इंतजार ही रहा, लेकिन इस बीच 26 अप्रैल 2013 को सामने आई सरबजीत की ताजा तस्वीर जिसने दिल दहला दिया। सरबजीत की ये तस्वीर कोट लखपत जेल के डेथ सेल से नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के जरिए लाहौर के जिन्ना अस्पताल से आई। इन तस्वीरों में सरबजीत के सिर पर पट्टियां दिख रही हैं और वो कोमा में बताए जा रहे हैं।
बर्नी साहब जी शादी हुई है बर्नी भाई जी। रिहाई की बजाय सरबजीत पर अचानक जानलेवा हमले की खबर ने परिवार के होश उड़ा दिए। एक बार लेटर आया था वैष्णी शेख जो हमारे एडवोकेट है उनके हाथ, लेटर में पापा ने लिखा था कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ कैदी जो है वो मेरे को मेरे पे अटैक करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अब्दुल गुरु की सजा के बाद से ही वो लोग परेशान कर रहे थे पापा को। दो दिन पहले ही सरबजीत ने कहा था कि मुझे मेरी जिंदगी को खतरा है, मुझे चोट लग सकती है, मुझे मारा जा सकता है। सरबजीत के गांव भिखीविंड से लेकर देश के कोने कोने में इस मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। सरबजीत के परिवार के लिए पाकिस्तान जाने का वीजा मुहैया कराया गया है और परिवार अब पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार से एक बार फिर सरबजीत की रिहाई की अपील की जा रही है। अब हम जल्द से जल्द वीजा कलेक्ट करके और पाकिस्तान जाएंगे, बाकी एक बार हम जाके पापा को मिल लेंगे तो एक तसल्ली हो जाएगी पापा। सरबजीत पर हमला करने वाले पाकिस्तान के कोट लखपत जेल के दोनों कैदी हमलावरों आमिर आफ्ताब और मुदस्सर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जेल के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से काउंसलर एक्सेस मांगी है कि सरबजीत को मिले और देखे कि क्या हुआ है, और उसके बाद जब सब पता चल जाएगा जो नेसेसरी एक्शन है वो हम करेंगे। सरबजीत को पाकिस्तान की कैद में 22 साल 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस दरमियान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट कम नहीं हो पाई है, जिसके चलते सरबजीत की रिहाई का रास्ता भी फिलहाल नहीं निकल पाया है।